सीमा और सचिन की लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है। मगर कल तक जो सीमा और सचिन पाई पाई को मोहताज थे, आज मानो उनकी लॉटरी लग गई हो। दरअसल सीमा हैदर के पास सोमवार को डाक से अनजान लेटर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बंद लिफाफा खोला गया तो उसमें सीमा और सचिन का नाम था। भेजने वाले का पता गुजरात का था। पूछने पर सचिन के घर वालों ने बताया कि उनका गुजरात में कोई नहीं रहता। पुलिस को आशंका हुई कि पत्र धमकी भरा हो सकता है। सीमा और सचिन ने लिफाफे को खोलना चाहा तो किसी भी अनहोनी की आशंका के चलते सीमा के घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लिफाफा खोलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई, तब जाकर लिफाफा खोलने के निर्देश मिले। मगर जब लेटर खोला गया तो 3 पन्नों के लेटर में सीमा और सचिन के लिए नौकरी का ऑफर था। पत्र में गुजरात के व्यापारी ने लिखा था कि वो पाकिस्तान से आई सीमा और उसके पति सचिन को 50,000 रुपए महीने के वेतन पर नौकरी देने को तैयार है। वे दोनों किसी भी समय उनकी कंपनी में आकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। पत्र में यहाँ तक लिखा गया कि वो नौकरी के अलावा भी दोनों की हर संभव मदद को तैयार हैं। मगर सीमा और सचिन की लॉटरी उस वक्त लगी जब मेरठ के रहने वाले एक फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा को फिल्म में बतौर कलाकार काम करने का ऑफर दिया। प्रोड्यूसर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सीमा उनके फिल्म में काम करने के लिए हाँ करती हैं, तो वो एडवांस में चेक देने को भी तैयार हैं।